गए इतने दिनों के बाद एंड क्या बोलूं मैं अभी जनरली मेरे पास अभी कुछ होता नहीं बना तुम क्यों नहीं बना रही ब्लॉग मैं तो आलस जोन में चली गई थी देखो मैंने बहुत इतना मतलब थकान होने के बाद मैंने बहुत सोई हूँ मैंने दुबई में बहुत खाया वो आप लोगों ने हालांकि मेरा एक दुबई का ब्लॉग अभी रखा हुआ है वो मैंने डाला नहीं है वो शायद मैं आज डालूंगी अभिषेक मुझे रोज़ मैसेज करता है भाभी वो डालना है और मुझे उसमें सिर्फ वॉइस ओवर्स डालने हैं मैं वो डालने के लिए आलस कर रही हूँ और जैसे कि शोएब ने कहा बीच में इतना कुछ हुआ आप लोगों ने इतने जजमेंट्स जो है फॉर्म कर लिए तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म हो गया था बट कुछ लोग कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लोग कभी चेंज मत होना एंड आप जैसे हो वैसे अच्छे हो किसी के फर्क मत करना तो बट जेन्युइनली मैं सच बोलूं मैं सिर्फ इस वजह या मैं कोई चीज़ प्रूव कर रहा हूं और यही रीज़न है कि मैंने इतने दिन ना ही कोई स्टोरी पोस्ट करी है और ना ही कोई हम दोनों की कोई भी स्टोरी या पोस्ट समथिंग है कि भाई आपको जजमेंटल होना है आप खोलो क्योंकि हमारा रिलेशन हमारा प्यार एक स्टोरी के एक पोस्ट के मोहताज है नहीं लाइफ में कभी रहा नहीं है और अंदर कभी ऐसी नौबत नहीं है वो उनके लिए हो जो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं हमारा मन करता है हम रोज़ डालते हैं हमारा मन करता है महीनों महीनों डालते हैं ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है ठीक है एंड बस वही कि भाई जिसको जो सोचना है सोच लो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमें हमें आप कुछ भी बोलो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम बल्कि मजे लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जितना जीरो फिल्टर हैं उतना है आप लोगों के साथ इससे ज्यादा जीरो फिल्टर और होने के लिए कुछ बचा नहीं और एक सिंपल सी चीज़ है कि जो हम अपने आप को आप जो हमें ट्रोल कर रहा है या हमें कुछ भी कर रहा है हम उसको प्रूफ करें क्यों exactly. हमें नहीं करना कि हमारे रिलेशन पे क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है कैसा है नहीं है हमारे लड़ाई झगड़े यस लड़ाई झगड़े रोज होते हैं हमारा सुबह भी झगड़ा हुआ है अभी इसी चीज को लेके होना भी चाहिए बट प्रूफ करने की नौबत आए कभी जिंदगी में नहीं और स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं जो इस चीज को लेकर जजमेंटल हो रहे हैं एंड आप सब लोग जो बोल रहे हैं कि दीपिका ने वो क्या बोले वो मीडिया पर्सन भी नहीं था बेसिकली वो मीडिया पर्सन भी नहीं था आपने उसको उंगली दिखाई क्योंकि वो उसको बचा रहा था तो गाइस हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना आप मीडिया की फुटेज देखते हैं उससे पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ कौन कितना पाउंस हुआ एंड मीडिया आप ठीक है हम भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारे पास आते हैं हम हमेशा उनको बोलते हैं कि भाई आप हैं तो हम हैं मैं हमेशा बोलता हूँ उस चीज़ को मेंटेन करता हूँ लेकिन मीडिया को भी अपनी डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए कहीं भी समझे ना वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही रीज़न है कि कहीं कहीं हम लोग हमेशा मीडिया को अवॉइड करते हैं जब हम काम नहीं करते ना जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता चीज़ें नहीं होती हम घर पे होते हम नहीं आते मीडिया के पास हम नहीं फ़ोन करके किसी को बोलते कि भाई हम यहाँ पे आ रहे हैं आ जाओ हम नहीं बोलते हमारा है ही नहीं वैसा नेचर बट हाँ यस मीडिया को भी अपनी डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए कि जब कोई इंसान है कहाँ पे है तो किस तरह के उसको पाउंस करना है घेर लेना है क्या कर लेना है और आपको लगता है कि वो ठीक है दिखाया हाँ दिखाया और बहुत प्राउडली दिखाया इस चीज़ को मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ दीपिका बहुत प्राउडली दिखाया क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे क्या एटीट्यूड आ गया है हाँ आ गया हमें आपको प्रूफ नहीं करना हमें उसको प्रूफ करना है वो जानता है बाकी आपको जोक करना है करो आपको ट्रोल करना है आप ट्रोल करो आपको रोस्ट करना है आप रोस्ट करो आपको जो करना है आप वो करो एक चीज़ की हमेशा खुशी रहेगी कि वी आर देयर क्योंकि हमारी वजह से आपके घर चल रहे हैं हमारी वजह से आपके चैनल चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मतलब ये ऊपर वाले की सबसे बड़ी इज्जत है कि हमें ट्रोल करके लोगों के चैनल चल रहे हैं उनको फेम मिल रहा है तो यहीं से आप समझ सकते हैं यहीं से आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ने किसको इतनी इज्जत नवाजी है एंड एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी जो ट्रोल करते हैं जो हेटर्स हैं वो है लेकिन जो हमें जेन्युइनली प्यार करते हैं मुझे कल मैं बाहर निकली थी कल मुझे इतने लोग मिले हैं और मेरे चैनल पे भी इतने सारे लोगों के मैसेजेस हैं जो कह रहे हैं कि आप लोग जैसे हो वैसे हो आप प्लीज़ अपना मन उदास मत करो हम आपके साथ हैं हम आपको जानते हैं तो उन सब के लिए दिल से प्यार थैंक यू सो मच गाइज हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे तो बस ये है और देखो गाइस अभी आगे भी ऐसा हो सकता है कि मैं ब्लॉग इस तरह रोज़ डालूं हो सकता है मैं 4-5 दिन डालूं क्योंकि जनरली मेरी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है और रात में मेरा 11 बज जाता है ना फिर उसके बाद समझ नहीं आता ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ मैं आप सबको जेन्युइनली बोलना चाहूँगी ये अपनी तारीफ बहुत कम करते हैं तो जिस तरीके की मेहनत शोएब आप करते हो इसी ब्लॉग में ना वो एक्शन सीक्वेंस वगैरह वो सब बीच में हाँ निका ये जिस लेवल की मेहनत करते हैं ना मतलब सच में हैट्स ऑफ क्यों निकू सर जो स्टंट्स करते हैं एकदम माइंड ब्लोइंग रोज इतने हम लोग इतना दर्द होता रहता है लोगों को बट यहाँ छिला हुआ है यहाँ छिला हुआ है उंगली पे छिला हुआ है यहाँ पे कट पड़ा हुआ है तो हैट्स ऑफ और प्लीज आप अजूनी का आने वाला ट्रैक जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें जो शोएब ने किया है ना वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा है और जो शोएब और आयुषी का जो उसमें ट्रैक है जो उनकी केमिस्ट्री निकल के आई है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग लग रही है तो मैं वेट करती हूँ
वही जैसे कि हम मैंने कई मीडिया बाइट्स में बोला है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं जूनी के स्पेशली वेट कर रहे थे कि यार कब उसमें कोई ऐसा रोमांस स्ट्राइक आएगा, रोमांस की लड़ाई झगड़ा, यस ड्रामा है कि डेली शो बिना ड्रामे के होते नहीं है, मतलब वो एक कंप्लीट रोमांस तड़प भी है।